The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, posture बहुत important है. एक अच्छा पोस्चर मतलब आपको सही तरीके से बैठना, खड़े होना, चलना, इन सब के पोस्चर होते हैं. पोस्चर इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सही तरीके से नहीं खड़े होते हैं, नहीं बैठते हैं, तो जो आपके बैक की सपोर्टिव मसल्स होती हैं और लिगामेंट्स होते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग गलत तरीके से हो सकती है. अगर आप गलत एक पैर में खड़े हो रहे हो या टेढ़ा होके खड़े हो रहे हो, पैर मोड़ के खड़े हो रहे हो, सो ओवर टाइम ये आपकी बैक को वीक कर सकते हैं, इतना कि आपको स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम हो जाए, आपको पीठ में दर्द, लोअर बैक एक, ऐसी बहुत सारी अनगिनत प्रॉब्लम्स हो सकती है जस्ट बिकॉज आपके पोस्चर गलत हो. तो पोस्चर हर चीज़ में मैटर करते हैं. सामान उठाते समय क्या पोस्चर रखना है, ड्राइविंग करते समय क्या पोस्चर रखना है, बैठते समय पोस्चर क्या रखना है, इवन सोते समय का भी पोस्चर है, बट सोते समय का उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. कुछ बेसिक्स हैं उसके अंदर जिसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं पोस्चर होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ पोस्चर. सो पोस्चर का मतलब है पोजिशन जिसमें आप अपनी बॉडी को पकड़ रहे हैं, जिसमें वेयर यू होल्ड योर बॉडी, द पोजिशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी, एंड दैट इज पोस्चर. तो गुड पोस्चर होता है, बैड पोस्चर होता है. गुड पोस्चर का मतलब है जब आपकी बोन्स जॉइंट्स करेक्ट पोजिशन हो, अलाइनमेंट में हो, सो दैट मसल्स जो हैं प्रॉपरली इस्तेमाल हो रही हैं, कहीं खिंची ताची नहीं जा रही हैं, लिगामेंट्स पे कोई खिंचाव नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. दैट्स व्हाट इज अ गुड पोस्चर. और गुड पोस्चर से जॉइंट के ऊपर भी वेयर एंड टेयर कम हो जाता है, जैसे घुटनों के ऊपर. इसमें क्या होता है, आपकी लॉन्ग टर्म लंबे समय में आर्थराइटिस का रिस्क कम हो जाता है. गुड पोस्चर का ये है, आपके लिगामेंट्स के ऊपर से स्ट्रेन कम होता है, आपकी स्पाइन के लिगामेंट ज़्यादा हेल्दी और लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो बैक पेन नहीं होता है. स्पाइन को फिक्स होने से रोकती है. तो कई बार एबनॉर्मल पोजीशन में स्पाइन फिक्स हो जाती है, ऐसे टेढ़े स्लाउचिंग पोस्चर में आपकी स्पाइन फिक्स हो सकती है, सो दैट ऑल्सो इज प्रिवेंटेड बाय गुड पोस्चर. पोस्चर से यहाँ तक के मसल फटीग, मसल पेन, वो अवॉइड होते हैं, और क्योंकि मसल ज़्यादा एफिशिएंटली यूज होंगी, राइट. सो बॉडी लिटरली थोड़ी कम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, ऐसे में यू विल हैव मोर एनर्जी, तो कमजोरी नहीं होगी, फटीग नहीं होगी, बैक एक और मस्कुलर पेन्स भी प्रिवेंट हो सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर. बैड पोस्चर से नंदलेस बोलने की जरूरत नहीं है, पेन्स होंगे, मसल इम्बैलेंस होगा, मसल पेन्स होंगे, डिस्क हर्निएट हो सकती है, डिस्क प्रोलैप्स हो सकती है, देर कैन बी एंडलेस प्रॉब्लम्स, गलत तरीके से उठाने से इंजरीज हो सकती है. सो बैड पोस्चर के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, नी पेन, लेग पेन, नेक पेन, आर्म पेन. तो बॉडी में पेन होने का नंबर वन रीज़न है बैड पोस्चर, नंबर वन रीज़न. 90% लोग गलत पोस्चर से खड़े होते हैं. आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा. अब ऑब्जर्व क्या करना, फॉर दैट यू नीड टू नो द करेक्ट पोस्चर. सबसे पहले जानते हैं करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग, बैठते हैं कैसे इस करेक्ट पोस्चर में. सो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ सिंपल पॉइंट्स बता रहे हैं. आपको जब भी बैठना है पीठ सीधी रखनी है, पीठ टेढ़ी नहीं रखनी, झुका के नहीं रखनी, राइट, स्लाउचिंग नहीं करनी, पीठ सीधी रखनी है और शोल्डर बैक रखना है. शोल्डर आगे नहीं रखना, इधर नहीं रखना, शोल्डर शुड बी बैक. सो दैट्स हाउ योर सिटिंग पोस्चर शुड बी, शोल्डर बैक. अगर हम चेयर की बात करें तो आपके जो बट्स हैं वो चेयर के पीछे साइड में होने चाहिए. इट शुड बी, अगर हम प्रॉपरली बैठ रहे हैं तो ये आगे की तरफ की जगह पीछे साइड में पूरा बट पीछे हो गए चेयर को टच करके, दैट इज देयर. और आपके बैक में तीन कर्व हैं. आपके बैक में जो नॉर्मल कर्व्स हैं, एक तो लंबर लॉर्डोसिस है ना, और नेक में लॉर्डोसिस और स्पाइन में कर्व्स हैं. तो ये तीन कर्व्स हैं आपके बैक में. ये तीनों कर्व्स जो हैं प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए. ऑल द थ्री नॉर्मल कर्व्स शुड बी प्रेजेंट वाइल सिटिंग. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन
इवन यूज़ अ स्मॉल रोलर टॉवल, ये लंबर में ऐसे थोड़ा सा टॉवल भी रख सकते हो, जो आजकल वो नहीं होता बैक सपोर्ट ऐसा आता है, तो वहाँ पर पीठ में आप कुछ रख सकते हो लिटरली, अगर आपको वो कर्व मेंटेन रखना है तो. अगर आपका लॉन्ग टाइम सिटिंग वाला जॉब है तो बैक में आप कुछ रख लो, दैट इज़ अ गुड थिंग. एक रोल टॉवल रख लो या फिर वो बैक सपोर्ट जो आता है कार में रखने वाला वो रख सकते हो. फिर चेयर के अंदर, ठीक है, पीछे होके बैठना है, और उसके बाद में कर्व, ड्रॉ योरसेल्फ प्रॉपरली, ठीक है, थोड़ा सा उसको सही से बैठो, पीठ सीधी करके रखो, बस इसको आपने रखना है. आपने क्या करना है, अगर कुछ रख रहे हो तो पीछे रख के अपने आप को पीछे पहले स्ट्रेच कर लो पूरा, फिर उसके बाद 10 डिग्री रिलैक्स कर लो, दैट्स इट. तो उससे क्या होता है, थोरैसिक जो कर्वेचर है उसको भी रिलैक्स मिल जाता है, पीठ के कर्वेचर को रिलैक्स मिल जाता है, गर्दन के कर्वेचर को रिलैक्स मिल जाता है. सीधा देखना, ना नीचे ऐसे ना ऐसा ऊपर, सो यू हैव टू वॉच सीधा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद दोनों हिप्स पे, दोनों पैरों पे एक साथ एक तरीके से भार देना, यानी कि एक तरफ होके बैठे हैं और ये पैर के ऊपर पैर डाल के ऐसा, नो, दोनों हिप्स पे, दोनों पैरों पे एक तरीके से भार देना है. डिस्ट्रीब्यूट योर बॉडी वेट इवनली ऑन बोथ हिप्स, एंड आपको इवन नी का एंगल सही होना चाहिए. You have to bend your knees at the right, सही angle, right angle, right angle मतलब your knees, keep your knees even with the height of your hips. So 90 degree में नीचे, ऐसा नहीं कि hips ऐसा ऊपर जा रही है ऐसा नीचे जा रही है, proper इधर से 90, नीचे से 90. So 90 degree angle का होना चाहिए. अगर आपके पैर लटक रहे हैं तो foot rest ले लो, अगर ऊपर आ रहे हैं तो chair ऊपर कर लो, something like that you have to do, right? कीप योर फीट जो है फ्लैट होना चाहिए, फुट जमीन पे एकदम फ्लैट होना चाहिए, यानी कि ऐसा टेढ़े हैं या ऊपर हैं. अवॉइड सिटिंग इन द सेम पोजिशन फॉर मोर देन 30 मिनट्स, एक ही पोजिशन पे यानी सेम इसमें 30 मिनट के ऊपर नहीं बैठना, मतलब हर आधे घंटे में आपको ब्रेक लेना है, उठना है, या आप थोड़ा घूम के आ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसे करना है, राइट. दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो इसमें पोस्चर चेंज करने के लिए, द बेस्ट थिंग इज टू कम फ्रंट, सामने आके बैठ जाओ, गो बैक, पीछे आके बैठ जाओ, दैट्स हाउ यू कैन चेंज योर पोस्चर. बट डोंट स्लैच, टेढ़ा होके, डोंट स्लाउच, वो गलत हो जाता है, ठीक है, ये नहीं करना है. अपने हिसाब से हाइट और ये एडजस्ट कर सकते हो. उसके अलावा जब स्टैंड, जब बैठ रहे हो इसमें, तब क्या करना है वो उसका भी अलग पोस्चर है. उसके लिए व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, खड़े होने से पहले चेयर के फ्रंट में आ जाओ, ठीक है, फ्रंट में आके फिर बैक स्ट्रेट रख के खड़े होना, यानी कि ऐसे के ऐसे करके, ऐसे उल्टे सीधे तरीके से नहीं खड़े होना. सेट अप विथ योर बैक स्ट्रेट एंड स्ट्रेटिंग योर लेग, हिप्स के, पैरों से, थाइस के पावर से खड़े होना है, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अवॉइड बेंडिंग फॉरवर्ड्स, ऐसा बेंड नहीं करना है खड़े होने समय, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. सुनने में सिंपल लग रहा होगा बट इन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है, और दिस इज इंपॉर्टेंट. और उसके अलावा अगर आप मान लो खड़े हो रहे हो तो खड़े होते समय भी देर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैंड करते समय आपकी नीज जो है वो घुटने जो है लॉक नहीं होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो पहले समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट, सिटिंग पोस्चर में हमने आपको बता दिया कैसे करना है, स्टैंडिंग में हम बता रहे हैं शोल्डर बैक रखना है, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, पेट अंदर करना है थोड़ा सा, वेट मोस्टली आपके फीट जो है उसके बैक साइड में जो बॉल्स होते हैं उस पर होना चाहिए, कीप योर हेड लेवल, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, आर्म ऑन द साइड में हैंगिंग होने चाहिए, और अपने फीट जो है शोल्डर विथ अपार्ट होने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज देयर. सो ये खड़े होने का बढ़िया पोस्चर है, यानी कि एक पैर में खड़े हो गए, फिर दूसरे पैर में खड़े हो गए, फिर एक क्रॉस करके खड़े हो गए, थक गए हो तो बैठ जाओ, बैठ गए हो तो खड़े हो जाओ, बट सही पोस्चर में खड़े रहो. एक पैर में खड़े रहना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, वरना क्या होता है आप घुटने जो है लॉक कर देते हो. घुटने जब लॉक करते हो यू टेक ऑफ पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो आपकी मसल से निकल के सीधा जॉइंट पे चला जाता है, नी जॉइंट पे चला जाता है. सो स्टैंडिंग ऑन दिस काइंड ऑफ अ पोस्चर इज अ बैड पोस्चर फॉर यू, ठीक है. तो सिटिंग पोस्चर हो गया स्ट्रेट,
और स्टैंडिंग अप का पोस्चर हमने बता दिया आपको। सो ये दोनों पोस्चर्स को आप प्रैक्टिस करो। इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ड्राइविंग के लिए याद रखो, जब आप बैठ रहे हो तो आपकी जो फीट है उसमें भी घुटने लॉक नहीं होने चाहिए। घुटने लॉक होना भी अपने अच्छा इंपॉर्टेंट साइन उसमें भी नहीं है। उसमें भी आपकी नीज स्लाइटली बेंट होनी चाहिए, आपके बैक में पूरा पीठ पीछे लगा होना चाहिए, बैक पीछे होनी चाहिए और हाथ भी थोड़े से एंगल में होने चाहिए, यानी कि हाथ भी लॉक हो रहे हैं। सो सीट अपनी एडजस्ट करो, हाइट अपनी एडजस्ट करो। उसमें भी कोई भी चीज़ अगर आप उठा रहे हो वाइल यू आर लिफ्टिंग एनीथिंग, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप घुटने बेंड करके नीचे स्क्वाट करो फिर सामान उठाओ, ना कि हिप को हिप से नहीं उठाना है, कमर से नहीं झुकना है, घुटनों से झुक के उठाना है। ये सिंपल पॉइंट झुकने उठाने वाला, अगर आप ये कर लोगे तो आधे से ज़्यादा जंग जीत जाओगे, ये इम्पॉर्टेंट है। स्लीपिंग की कोई मेजर बेस्ट पोजीशन नहीं होती है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन को माना जाता है कि भाई हाँ लेफ्ट लैटरल पोजीशन डाइजेशन के लिए और स्टमक के लिए दो चार चीज़ों के लिए अच्छी है। बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्लीपिंग में है कि आपका जो मैट जो पिलो होना चाहिए वो नेक पे होना चाहिए, ताकि नेक ज़्यादा नीचे नहीं ज़्यादा ऊपर नहीं और स्ट्रेट रहे, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना कि शोल्डर के नीचे नेक नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा फर्म बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्पाइन जो है उसका कर्वेचर मेंटेन रहे और वो नॉर्मलाइज रहे और आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो। स्लीपिंग में कंफर्टेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट? सो दिस इज द बेसिक अबाउट पोस्चर। आई होप यू गॉट द पॉइंट, दैट्स इट, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ आया है तो इसके वीडियोज और लिंक्स दूसरे आप ढूंढ लीजिएगा, पोस्चर के ऊपर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।